अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे मोमोज। तो इसके लिए हमें चाहिए मैदा। तो मैंने यहाँ पे 2 कटोरी मैदा लिया है। ये 300 के ग्राम मैदा है। 2 कटोरी मैदा लेने के बाद मैं इसमें सॉल्ट ऐड करूँगी। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। और अब हमें इसे मिला लेना है। तो मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका डो तैयार करूँगी। ये देखिए, डो हमारा तैयार हो गया है। इसे ना ज़्यादा सख्त गूंदना है और ना ही ज़्यादा नरम गूंदना है, इसे हमें मीडियम ही गूंदना है। थोड़ा सा ऑयल लेके मैं इसके ऊपर अप्लाई कर दूँगी ताकि ये ड्राई ना हो। अच्छे से ऑयल अप्लाई करके मैं इसे 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट होने के लिए रख दूँगी। यहाँ पे पैन में मैंने बटर डाला है। हमें अब मोमोज़ की स्टफिंग तैयार करनी है। अगर आप बटर नहीं डालना चाहते तो आप घी डाल सकते हैं, नहीं तो आप ऑयल भी डाल सकते हैं। अब मैं इसमें गार्लिक ऐड करूँगी। थोड़ा सा इसे फ्राई करने के बाद मैं इसमें कैबेज ऐड करूँगी। मैंने यहाँ पे 200 ग्राम के लगभग कैबेज लिया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी और साथ ही में इसमें जाएगा कैरेट। यहाँ पे 1 कटोरी मैंने कैरेट लिया है और इसे मैंने ग्रेट कर लिया है। और इसके साथ ही इसमें जाएगा 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर और साल्ट टू टेस्ट, ये भी ऐड कर देंगे। 1 टेबल स्पून इसमें डालेंगे सोया सॉस। इन सभी को मिक्स करेंगे। इसे हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, बस 1.5 से 2 मिनट हम इसे मिक्स करेंगे और हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। मिक्सचर हमारा मिक्स हो गया है और स्टफिंग हमारी तैयार हो गई है। अब हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। ये देखिए, स्टफिंग रेडी है। अब इसे हम ठंडा होने के लिए रखेंगे। यहाँ पे मैंने आटा ले लिया है और हम इसे सर्कल शेप में फोल्ड करेंगे और इसकी कटिंग करेंगे। तो एक ही साइज में हमें सबको कटिंग कर लेना है। कटिंग करने के बाद हम इसकी पूरियां बनाएंगे। ये देखिए, तो चलिए मैं आपको पहला मेथड बताती हूँ कि हमें इसे कैसे बनाना है। इसकी हम पूरियां बेलेंगे और इसे ना ज़्यादा हमें मोटा रखना है ना ज़्यादा पतला रखना है। और इसके साइड्स को हमें मोटा बिल्कुल भी नहीं रखना है, उसे पतला ही रखना है। देखिए, पूरी हमारी बन गई है। अब मैं इसमें स्टफिंग डालूँगी। ये स्टफिंग इसमें ऐड करने के बाद इसके साइड्स को अंदर की तरफ फोल्ड करना है। सारे साइड्स को अंदर की तरफ अच्छे से फोल्ड कर देंगे हम। ये देखिए, फोल्ड हो गया ये अच्छे से। अगर आपको इस स्टेज में लगता है कि आटा ऊपर की तरफ ज़्यादा है तो आप इसे निकाल भी सकते हैं और हल्का सा प्रेस कर देंगे। ये रेडी है। अब मैं आपको दूसरा मेथड बताऊंगी। इसके लिए हमें पूरी बेल लेनी है। इसे भी हमें सेम वैसा ही बेलना है जैसे हमने पहले बेला था, ना ज़्यादा मोटा ना ज़्यादा पतला। अब मैं इसमें स्टफिंग डालूंगी। और इसको फोल्ड कर दूंगी। फोल्ड करके
हम इसे अच्छे से प्रेस करेंगे ताकि इसकी स्टफिंग बाहर ना निकले। अच्छे से प्रेस करने के बाद दोनों कॉर्नर लेके हमें प्रेस कर देना है अच्छे से ताकि ये निकले ना। देखिए अच्छे से प्रेस करने के बाद ये रेडी हो जाएगा। ये दूसरा मेथड है मोमोज बनाने का। यहाँ पे मैंने चौड़ा बर्तन ले लिया है और उसमें पानी गर्म होने के लिए रख दिया है और उसके ऊपर मैंने छन्नी रख दिया है। अब एक एक मोमोज करके मैं इन छन्नियों के ऊपर रख दूंगी। ये 10 मिनट में स्टीम हो जाते हैं लेकिन मैं इन्हें 5 मिनट ही स्टीम करूंगी क्योंकि मुझे इसे फ्राई करना है। पूरे मोमोज अच्छे तरह रख के हमें इसे कवर कर देना है। 5 मिनट तक के लिए मैं इसे ऐसे ही रहने दूंगी। 5 मिनट के बाद ये देखिए मोमोज रेडी हो गए हैं। ये हाफ कुक हैं। अब मैं इसे धीरे धीरे निकालूंगी। ध्यान रहे इसे केयरफुली ही निकालना है क्योंकि इसमें भाप रहता है, उससे हाथ जलने का डर रहता है। सारे मोमोज निकालने के बाद मैं इसे फ्राई करूंगी। ये देखिए हमारे मोमोज रेडी हो गए हैं। ये हाफ कुक हैं। अब मैं इसे फ्राई करूंगी। तो गैस का मीडियम फ्लेम हमें मीडियम ही रखना है, हाई नहीं रखना है। मीडियम और लो फ्लेम पे ही हमें इसे फ्राई करना है जिससे ये कुरकुरे बनेंगे। अगर आप फ्राई करना नहीं चाहते तो आप इसे 10 मिनट के लिए स्टीम में रखें। मोमोज हमारे फ्राई हो गए हैं। अब मैं इसे निकालूंगी। तो ये देखिए मोमोज हमारे बनके तैयार हो गए हैं। आप इसे चटनी सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।